हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएम इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। फ्रेंड्स, मैं पहले आप लोगों से दिल से सॉरी कहता हूँ, इसीलिए कि मेरा जो एग्ज़ाम था, आप लोग जानते हैं क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होता है, और उसीलिए मैं वीडियो करना बंद कर दिया और यहाँ पे प्लस टू पे यानी 12th पूरा काम एकदम सेटल करके मैं फिर दूसरी बार वीडियो पे आया हूँ। आप लोगों से रोज़ मुलाकातें होंगे, रोज़ मीट होंगे। चलिए, और फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहते हूँ, मेरा जो चैनल है काफ़ी डाउन में चल रहा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं पहली बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, गुजारिश है मेरी और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वॉच माई चैनल एंड हमारा जो सब्सक्राइबर लाइक शेयर आप कीजिए। और एक बात, वीडियो को आप पूरा के पूरा देखिए और आपके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। मेरा वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप होगा, कोई दिक्कत वाली बात आपके पास नहीं होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं ये किस बारे में है। कई लोग कहते हैं ये जो प्रोजेक्ट हमारा है, यानी ये जो इन्वर्टर सर्किट है, ये क्या होता है, ये नहीं हो पाता है। तो उस लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ आप लोग कंपोनेंट्स को चेक कीजिए, ऑल ऑफ कंपोनेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप काम पे ले रहे हैं, वो कंपोनेंट अगर ठीक है तो आप उस कंपोनेंट को यूज़ कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको काम में लीजिए और आपको वो सही से सही वर्क करेंगे। तो चलिए, पहले हम कंपोनेंट्स को निकाल लेते हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। तो हम इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है, देख सकते हैं। ये एक चॉपर ट्रांसफार्मर है। अब ये आप इसको कहाँ से लेंगे, जो हमारा जो घर पे पुराना चार्जर पड़ा हुआ है, उस चार्जर के अंदर आपको इस तरीके का ट्रांसफार्मर, चॉपर ट्रांसफार्मर आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर, इनकी NPN ट्रांजिस्टर है। इसका जो नंबर आप देख सकते हैं, D882 882 ट्रांजिस्टर, 882, ये कॉमन ट्रांजिस्टर है, NPN है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रांजिस्टर मार्केट में 2 रुपये या 3 रुपये के आसपास, 3 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ के आसपास आपको इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स के शॉप से आपसे मिल जाएंगे। और एक चाहिए हम रेजिस्टेंस, जो हमारा क्वार्टर वाट की होगी, ये है 47 ओम्स, दैट नॉट किलो ओम्स ओनली। हम इसे PCB के ऊपर करने नहीं वाले होंगे, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखाए तो ये अच्छा हो जाए। तो चलिए हम क्या करेंगे, देखिए। तो पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद नहीं तो बोलेंगे ये फेक है, ये एडिटिंग की कमाल है। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये आपस में क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस से कनेक्शन करेंगे। ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट को हम रेजिस्टेंस से आपस में शॉर्ट करेंगे। तो चलिए, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इस रेजिस्टेंस को किया यहाँ से लगा दिया। प्लीज आप अच्छे से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। रेजिस्टेंस को हमने किया यहाँ से लगा दिया। क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर देखिए, ये सीधा करके है, उल्टा करके हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, आप देख सकते हैं इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है, यानी बेस टर्मिनल जो हमारा है, इस बेस टर्मिनल को हम इस चॉपर की इस वाले पॉइंट से हम सोल्डर करेंगे। थोड़ा पिन को हम थोड़ा यहाँ से गैप दे रहा है, अगर यहाँ पे आपस में टच ना हो जाए। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, सोल्डर करते हैं। तो ये एक पॉइंट हमारा है, देखिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर को यहाँ से सोल्डर कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बीच वाला पॉइंट जो बेस का पॉइंट है, इस बेस का पॉइंट में हम ये वाला टर्मिनल सोल्डर कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो करेंगे, यहाँ से हम एक इनपुट और यहाँ से हम एक इनपुट का तार निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। देख सकते हैं हमने इस तरीके से दो वायर ले लिया, एक ब्लैक और एक रेड, जो हमें प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव
पहचानने में आसानी होगी। तो चलिए ये जो ये पॉइंट है रेजिस्टेंस का लगा हुआ पॉइंट, इसमें हम रेड वायर को जोड़ देते हैं, यानी ये हमारा इनपुट प्लस का सप्लाई है और ट्रांजिस्टर का जो इमीटर पॉइंट है, इस इमीटर पॉइंट से हम ग्राउंड को लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा लग चुका है, तो ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट का हो गया। अब आउटपुट का क्या करें, देखिए यहाँ पे दोनों टर्मिनल बचा हुआ है, तीन टर्मिनल, एक ए वाला एक ए दो, तो हम ये जो हमारा कलेक्टर पॉइंट है यहाँ से हम एक वायर को जम्पर करते हुए यहाँ पे ले आएंगे। तो चलिए हम एक वायर ले लेते हैं, देख सकते हैं ये हम इस टाइप का हमने जम्पर वायर ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ये वाला पॉइंट पे इसे लगा देंगे, उसके बाद और ये ट्रांजिस्टर का ये वाला सिरा को हम यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ट्रांजिस्टर का, हमारा जो सर्किट का कनेक्शन है ये लगभग ख़त्म हो चुका है। देख सकते हैं ये से हम यहाँ से कनेक्शन किया और ये दोनों हम यहाँ पे कनेक्शन किया और इस यहाँ से हम ग्राउंड और यहाँ से VCC यानी पॉजिटिव और मिडिल वाला, एकदम सिंपल का मक्खन जैसा कनेक्शन है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी और मैं डायग्राम देता हूँ। तो चलिए अब टेस्ट करने की बारी लेना है। एक LED बल्ब, ये देख सकते हैं ये 9 वाट का LED है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना 5 वाट का LED, आप 9 वाट के भी ले सकते हैं, और ये 230 वोल्ट AC में चलने वाला। और लेना पड़ेगा एक होल्डर किट जो हमें LED को कनेक्शन लगाएंगे। तो चलिए ये दोनों जो आउटपुट का पॉइंट बचा हुआ है, इस पॉइंट से हम दोनों वायर को सोल्डर कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट आप किसी भी वायर को सोल्डर कर सकते हैं। और क्या है, हमें यहाँ पे फाइनली पावर देना पड़ेगा। तो इसे पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे। इस बैटरी का वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ, फिलहाल 4 वोल्ट 0.5 एम्पियर यानी 5 मिली एम्पियर जो हमारा 500 मिली एम्पियर जो हमारा बैटरी है, आप 3.7 का भी ले सकते हैं। इसमें आप 5 वोल्ट से लेके 3.7 से लेके 6 वोल्ट आप यहाँ पे लोड दे सकते हैं, कर देते हैं आप। ये लाइन चालू है, मैं आपको अब लाइव दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स कोई फेक यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये जो हमारा LED ग्लो हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते बहुत अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और आते हैं हम यहाँ पे, क्या हमने आपको अच्छे से दिखाया और मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए और डायग्राम को देखिए और आप ट्राई कीजिए, 100% ये वर्क करेगा। और हमारा चैनल जो ग्राउंड में चल रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब 1000 सब्सक्राइब हम पूरा करना है, चैलेंज है हमारे पास। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।